हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, कंपनी की ओर से अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड का, जो कि स्टैंडर्डलोन और कॉन्सॉलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। पहले कॉन्सॉलिडेटेड कवर करेंगे, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें तो इस बार का इंकम है 2546 करोड़ का, मार्च 24 में 2246 करोड़ का, जून 23 में 2043.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस 2404 करोड़ का, मार्च 24 में 2102.7 करोड़ का और जून 23 में 1889 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट में डाउन है। ईयर ऑन ईयर के भी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा किया गया है और ये एक्सपेंस गैस कंपनी का इंक्रीज किया स्टॉक इन ट्रेड के परचेज में, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 141.7 करोड़ का, मार्च 24 में 143.5 करोड़ का और जून 23 में 154.3 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन है। एक्सपेंस का नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का अगर देखा जाए तो 105.6 करोड़ का, मार्च 24 में 110.3 करोड़ का और जून 23 में 120 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस है गाइस 3.8 रुपीज का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में डाउन देखने को मिला है। सेगमेंट वाइज इंडिया अदर दैन इंडिया से रेवेन्यू जनरेट किया है, रेवेन्यू में नो डाउट इंक्रीज है, बट एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। अगर हम स्टैंडअलोन फिनांशियल रिजल्ट कवर करें गाइस, तो कंपनी का इनकम है इस बार का 253 करोड़ का, मार्च 24 में 276.6 करोड़ का और जून 23 में 241.3 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 216.9 करोड़ का, मार्च 24 में 219 करोड़ का, जून 23 में 236.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, डाउन देखने को मिला। एक्सपेंस भी डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में, जिसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36.2 करोड़ का, मार्च 24 में 57.4 करोड़ का और जून 23 में 4.4 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में भी डाउन इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 25.3 करोड़ का, मार्च 24 में 51.6 करोड़ का और जून 23 में 3.7 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 0.91 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का गाइस रिजल्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही एवरेज है गाइस। इनकम भले इंक्रीज है, लेकिन प्रॉफिट वगैरह बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है कॉन्सोलिडेटेड बेसिस के, लेकिन स्टैंडअलोन का प्रॉफिट में थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ देखने को मिला है। अगर हम इसके शेयर की बात करें गाइस, तो शेयर जो है 735 रुपीज़ पे शेयर क्लोज किया, 2.3% का आज लॉसेज देखने को मिला। मार्केट क्लोज होने जस्ट कुछ टाइम पहले ही कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। 5 डे में 1.9% का प्रॉफिट है और 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे 5 डे में 1 मंथ में 18% का प्रॉफिट है और 6 मंथ्स में कंपनी 4.3% का लॉसेस है। गैस कल के दिन अगर नेगेटिव ओपन होता है तो वेट कर लीजिएगा, पॉजिटिव ओपन होता है तो एंट्री कर सकते हैं। और गैस हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।